सभी BTS के मेंबर्स के साथ जितना भी टाइम हो सकता है उसे स्पेंड करना चाहते हैं। कई सारी आर्मी बार बार ये कोशिश करती हैं कि उन्हें BTS की कंपनी में जॉब मिल जाए या फिर वो BTS के आसपास रह सकें, क्योंकि उनका मानना है कि BTS का जो स्टाफ है वो सबसे लकी है कि वो BTS के मेंबर्स के साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पेशली BTS के मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि BTS को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने मेकअप आर्टिस्ट की। और सही में BTS के मेकअप आर्टिस्ट उनके काफी क्लोज होते हैं, क्योंकि BTS को टाइम टाइम पर मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, जहां हम सब इस चीज को एक लकी चीज समझते हैं और सोचते हैं कि ये हमें भी मिलना चाहिए, वहीं पर एक बार एक रियल स्टोरी थी जहां पर पता चला था कि एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए BTS के साथ रहना ही बहुत ही मुश्किल हो गया था। और अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मेकअप आर्टिस्ट ने खुद बताया था कि ये BTS के मेंबर जिमिन के साथ और नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो जिमिन के साथ थोड़े टाइम और रही तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कई सारे आर्मीज को ये सुनकर ऐसा लगेगा कि शायद जिमिन ने कुछ गलत किया है, बट ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था कि ये BTS में सभी के काफी क्लोज थी और BTS के सभी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए सबसे अच्छा होने की, तो वो है हमारे BTS के क्यूट मोजी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड हैं, बहुत ही अप्रोचेबल हैं और अपने स्टाफ को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो इस मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था कि वो जिमिन के साथ सालों से काम कर रही थी, लेकिन अब रिसेंटली उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो जिमिन से काफी अट्रैक्टेड फील करती हैं, और अगर वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगी तो हो सकता है कि उन्हें जिमिन से प्यार भी हो जाए, क्योंकि उनके रूल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बिगिट में ये रूल है कि आपको BTS के मेंबर्स के स्टाफ बनने से पहले या तो मैरिड होना होगा, या फिर अगर आप उनके स्टाफ बनते हो तो आप उनके साथ डेट नहीं कर सकते। वहाँ पर ये स्टाफ और आइडल्स के बीच में नो डेटिंग रूल बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसीलिए इस आर्टिस्ट ने बताया था कि BTS के मेंबर जिमिन के साथ रहना इनके लिए दिन प्रतिदिन बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ये जिमिन के साथ और टाइम स्पेंड करती थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, और इन्हें ऐसा लगता था कि ये जिमिन से काफी अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसके बाद इस मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया था कि BTS के साथ इनका रिलेशन काफी अच्छा था और BTS इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और इसीलिए ये नहीं चाहती थी कि इनकी वजह से BTS की लाइफ में या फिर इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। हालांकि दोस्तों, जब आर्मीज को इस मेकअप आर्टिस्ट की स्टोरी के बारे में पता लगा था तो कई सारी आर्मीज कह रही थी कि ये तो काफी ज्यादा ट्रेजिक बात है कि उनको अपनी जॉब इस बात की वजह से छोड़नी पड़ी, लेकिन कई सारे आर्मीज को ये बहुत ही रिलेटेबल और सही लगा। उनका कहना था कि उस मेकअप आर्टिस्ट ने एकदम सही डिसीजन लिया और अच्छा किया कि उसने उस जॉब को छोड़ दिया। कई सारे आर्मीज तो ये भी कह रही थी कि हमारे जिमिन है ही इतने अच्छे कि कैसे किसी को उनसे प्यार ना हो, और अगर हो जाए तो फिर कैसे कोई इंसान खुद को रेसिस्ट करे। हालांकि दोस्तों, ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि बहुत सी आर्मीज को नहीं पता, इसीलिए कई सारी आर्मीज जो सोचती हैं कि हर एक नॉर्मल कोर्स में BTS के साथ रहना हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए ये चीज भी काफी दिक्कत भरी बन चुकी है। तो आप मुझे बताओ कि आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।